गाइस, मैं मंजू सिद्दीकी एडोटेक्स माया एंड ब्रेंडर 3D एनिमेटर की तरफ से। तो गाइस चलते हैं अपने पर। तो गाइस अब हमें बनाना है इसकी बॉडी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ एक लेयर बना के इसको हाइड कर देता हूँ, देन हाइड। उसके बाद गाइस क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर और आप जिससे चाहो बॉडी उससे बना सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ क्यों भी हो, मैं सिलेंडर से बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी बेसिकली जो है आपके लिए आज बॉक्स से बना के दिखाता हूँ बॉडी, ओके। देन यहाँ से हमने थोड़े से इसके सेगमेंट बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने हाफ पार्ट फिर डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ आए डिलीट, देन फिर यहाँ लाए हाफ पार्ट को और मेरा जो है पाइवेट ये है, DOB प्रेस किया गया, स्नैप कराया और कंट्रोल शिफ्ट टी किया, ठीक है। जो हमारे लिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्पेशल डुप्लीकेट के अंदर, यहाँ पर आपको इंस्टेंस करना है और यह -1, ठीक है। देन क्लिक, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ अपने इस पार्ट पर, ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आते हैं और गाइस जो है मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ आइए, देन ये पार्ट यहाँ है, इसको मैं कराओ यहाँ के लिए और यहाँ पर एक्चुअली ये जो है वो गलत हो गया, ये फ्रंट में ये है लेकिन मेरा मुझे डिलीट करना था ये वाला पार्ट और वो हो गया ही है, कोई नहीं। इसको दोबारा लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन डिलीट कर देते हैं पार्ट को और यहाँ इसको, ठीक है, ब्रिज कर लेते हैं, ब्रिज सॉरी इसको सिलेक्ट नहीं किया मैंने, एक्चुअली ब्रिज सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके अपनी एजेस डाली कंट्रोल के साथ और यहाँ सेलेक्ट किया गया इसको, चेक किया ये वाला पार्ट गलत हुआ है। तो पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं मार्क, फिर दोबारा आएगा यहीं, फिर ब्रज और गाइस फिर दोबारा सेलेक्ट किया इसी पार्ट के लिए यहाँ और कंट्रोल के साथ फिर एक एज डाली और इसको यहाँ अटैच करा दिया मार्क। उसके बाद गाइस अब हमारा काम हो गया क्लियर। उसके बाद आते हैं यहाँ, देन मेरा पाइवेट ये आ रहा है तो सेंटर कर लेते हैं हम इस पाइवेट के लिए। फिर मैंने लिया यहाँ, इसको आगे बढ़ाया हल्का सा इसको इस तरीके से, देन इस वाले पार्ट को यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया। तो एक काम करते हैं अभी, इसको अपनी बॉडी को जो है शो कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इस वाले पार्ट को यहाँ लाया, ये जो पार्ट है मेरे पास गाइस इसको मैं यहाँ लाया, ठीक है, इस तरीके से ये। और ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा यहाँ ले लिया, इसको यहाँ, ठीक है, एंड ये यहाँ, परफेक्ट, ओके। एंड इसको पकड़ा, इसको थोड़ा सा बाहर लिया इस तरीके से, इसको सेलेक्ट किया यहीं पर, देन मूव किया, सेलेक्ट करें, इसको मूव करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको, ठीक, इसको थोड़ा सा परफेक्ट। अब गाइस क्या करते हैं, आते हैं दोबारा यहाँ अपने पार्ट पर और यहाँ पहले इसको सेलेक्ट करके मैं यहीं से एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऊपर के लिए। तो ये वाला पार्ट गलत सेलेक्ट हुआ है, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करूँ या राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, यहाँ से आओ, ठीक है। देन यहाँ थोड़ा सा राउंड करते हैं और पैक लेके जाते हैं समथिंग, ओके। अब यहाँ आएगा इस जो, ओह सॉरी एक्चुअली जो है मुझे पार्ट को संभाल के सिलेक्ट नहीं हो पाए और यहाँ आया, दोबारा चेक किया, ठीक है, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड यहाँ
और उसको स्किल किया, देन थोड़ा मूव किया और उसको थोड़ा सा हल्का सा रोटेट किया, फिर सबके साथ अच्छे, ठीक है परफेक्ट। अब गाइस क्या करना है मुझे, सबसे पहले जो मेरे पास फेसेस एक्स्ट्रा हैं ये इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक, डिलीट, देखते हैं चेक करके, परफेक्ट। अब गाइस इसको यहाँ लाया, अभी गैस केवल मैं बेसिक्स जो है गैस फेस अपनी शेप से बना रहा हूँ, जो है मैं इसके मसाज जो है बाद में करेंगे हम, जिसे हम कहते हैं अपनी रियल बॉडी के लिए, तो मैं भी केवल यहाँ इस तरीके से ही वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर गैस आए यहाँ सेट से, इसको लो यहाँ सेलेक्ट करो, और सॉरी यहाँ का पार्ट जो है मैं सॉरी एफ एस किया, देन यहाँ कंट्रोल के साथ हटाया और मूव किया तो प्रॉब्लम आ रही है, नो प्रॉब्लम। इसको सिलेक्ट करो यहीं, यहाँ लाओ, तो ऊपर से करते हैं जिससे कि हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यहाँ से लिया मूव किया, इसको लिया पूरे पार्ट के लिए यहाँ से शिफ्ट के साथ, और इसको भी यहाँ से मूव किया, देन सेलेक्ट किया, मूव किया, सेलेक्ट किया इस पार्ट को, ठीक है इस वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा मूव किया, परफेक्ट। इसको लिया मूव, ठीक है, उसके बाद गैस फिर दोबारा सेलेक्ट किया अपने पार्ट के लिए, आए दोबारा यहाँ और शिफ्ट के साथ फिर एक बार शूट किया, फिर एक शूट किया यहाँ और इसको यहीं स्केल किया, मूव किया, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा इस यहाँ, ठीक है, फिर एक्सट्रूड किया, यहाँ आए इस तरीके से। इसको गाइस मैंने अपनी बॉडी का जो है स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, अब आते हैं हम साइड व्यू में, हमारा जो है फ्रंट व्यू सॉरी, इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, मूव कर लेते हैं इसको जो है, अभी बीच में मेरे कुछ सेगमेंट्स कम हैं उनको बाद में बढ़ा लेंगे, पहले अब मुझे जो है निक देनी है, अपनी निक का जो है पार्ट बनाना है ये वाला, तो यहाँ से उसके साथ फिर काम लो और ऊपर लो और यहाँ इसको स्केल करो, ठीक है, देन मूव करो, फिर इसको एक्सट्रूड करो गाइस, और यहाँ से फिर मूव करो और फिर इसको स्केल करो यहीं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं बैक में और चेक करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आएगा, ये वाला जो पार्ट है गाइस इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सॉरी इस तरीके से, और इसको मूव करते हैं, देन इसको राउंड करते हैं इस तरीके से और स्केल करते हैं, ठीक है परफेक्ट। एंड इसको सिलेक्ट किया, परफेक्ट, देन यहाँ पर एक केज और डाल लेते हैं ये वाली, इसको थोड़ा सा बाहर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर, परफेक्ट। एंड चेक करते हैं ये वाली, ओके। देन अब आते हैं गैस क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं दोबारा, फिर हाफ पार्ट डिलीट करते हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इन सब को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, एक बार सिलेक्ट करो डिलीट, इसको सिलेक्ट करो डिलीट, और यहाँ सब के साथ डिलीट, ठीक है परफेक्ट। अब गैस फिर आते हैं यहाँ पर डी और वी प्रेस करते हैं, स्नैप कराते हैं अपने इस पॉइंट के लिए, यहाँ पर वाटर स्नैप कंट्रोल डी और वी, ठीक है, थ्री प्रेस किया, चेक किया। अब आते हैं दोबारा
अपने पार्ट की तरह। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, देन यहाँ सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, परफेक्ट। सेव करो गाइस इसे एक बार, और फिर जो है आते हैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू में। तो गाइस ये वाला जो पार्ट है, मुझे बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनाना है, मैं अभी यहाँ से आते हैं और क्रीज पेंसिल लेते हैं, ये है मेरी क्रीज पेंसिल। तो गाइस ये जो फ्लो है मेरा, ये वाला यहाँ से इस तरीके से फ्लो बनाना है, ठीक है। तो पहले हम इस फ्लो को बनाते हैं। सेलेक्ट करो गाइस यहाँ से ये वाला पार्ट, ये देन अंदर के लिए मूव करो, ठीक है। और यहाँ एक एज और डालनी है, सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ इस वाले पार्ट के लिए गाइस बाहर निकाल दूँ हल्का सा, ठीक है। कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा सा बाहर करता हूँ, परफेक्ट। देन यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ एक एक एज और डालनी होगी गाइस। सबके साथ सेलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट करें, एक एज डाली, ठीक है। यहाँ पर भी एज बाद में डालते हैं, पहले अपना जो है काम पूरा कर लेते हैं, परफेक्ट। एंड ये जो पार्ट है यहाँ का, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर आएगा, और ये सेगमेंट इधर को आएंगे थोड़े से, ठीक है। थ्री और पहले थ्री चेक करते हैं, परफेक्ट। अब गाइस एक्सट्रूडिंग का पार्ट रह गया मेरा, तो मुझे एक्सट्रूड करना होगा तो इसको ऑफ कर लेते हैं। फिर गाइस चलते हैं हम यहाँ अपने पार्ट की तरफ, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको यहाँ से बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट के लिए थोड़ा ऊपर, ठीक है। देन गाइस अब यहाँ एक्सट्रूडिंग का पार्ट है, तो एक्सट्रूड करना होगा, तो एक्सट्रूड के लिए हमारे लिए जो है यहाँ पर आना है, यहाँ आना है, ये यहाँ एंड यहाँ, तो यही पार्ट है मेरा, ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस पहला एक्सट्रूड यहाँ से मुझे इस तरीके से करना होगा, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर वन प्रेस कर लेते हैं, एंड अब यहाँ क्या करना है गाइस, यहाँ के दो ऊपर के फेस जो है आपको छोड़ना होंगे, और नीचे के ये दो फेस जो है इनको पकड़ के एक्सट्रूड करना होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने इन जो फेस है मेरे पास, इनको थोड़ा सा सही कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन थोड़ा ये इसको थोड़ा सा अंदर लिया, देन इसको थोड़ा ऊपर लिया इस तरीके से, ये वाले पार्ट जो हैं यहाँ आएंगे, ये वाला पार्ट यहाँ है, इस तरीके से मैंने इसको ले लिया, एंड इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको यहाँ से, ठीक है, इसको देन यहाँ से, अब आते हैं यहाँ और चेक करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सेलेक्ट करो गाइस एंड यहाँ आओ अपने, और इसको एक्सट्रूड कर दो, यहाँ स्केल करो गाइस फर्स्ट टाइम, और इसको नीचे लेके आओ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, एंड शिफ्ट के साथ गाइस यहाँ तक मैं स्केल कर लेता हूँ, फिर इसको यहाँ तक स्केल कर लेते हैं, यहाँ पर स्केल किया, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस बाकी जो स्टेप है हमारा किस तरीके से बनाना है इसके लिए, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्रॉब्लम हो कोई तो गाइस कमेंट